ये सामने रॉकेट है, अब मैं हेलीकॉप्टर कहाँ पे लैंड करूँ? ओके, वो सामने रॉकेट है, इस रॉकेट पे बैठ के हम लोग जाने वाले हैं चांद पे, मार्स पे, जुपिटर पे, सैटर्न पे। 2-1 लॉन्च। ओ भाई साहब, ओ20 खैर यार, वो हम लोग स्पेस पे जा रहे हैं। सामने से एलियंस कमीने आ रहे हैं, ओए इनको मैं बताऊं अर्थ से गन ले। ओए होए होए होए, स्लो मोशन इफेक्ट देख रहे तुम लोग? ओके, ये सामने यूएफओ है, अब मुझे नहीं पता कि हमें अटैक करेगा कि नहीं। अबे ओए, अटैक करते कुत्ते। Hey, what's up guys? We are back with another GTA 5 video और आज हम लोग बहुत ही कोई स्मैक्सी किस्म का काम करने जा रहे हैं। स्मैक्सी किस्म का काम करने से पहले मैं तुम लोगों को कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो, मिलियन होने ही वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जुलाई के अंदर अंदर हो जाएं, और लाइक भी मार दो। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन लाजमी दबाना। आज का स्मैक्सी काम मैं तुम लोगों को बताता हूं, आज हम लोग जाने वाले हैं स्पेस में, मार्स पे, एलियन से मिलने। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये वीडियो एंड तक देखना। स्पेस में जाएंगे हम लोग, डिफरेंट प्लैनेट्स के अंदर, मून के अंदर, चांद पे, एलियन से मिलेंगे, स्पेसशिप, स्पेसशिप से याद आया, वहां पे अगर कोई स्पेसशिप होंगी तो हम लोग वो चुराएंगे भी, चुरा के लेके आएंगे अगर तो हो सका, अगर पॉसिबल हुआ तो चुरा के लेके आएंगे, और इधर फ्रैंकलिन के घर के इधर टॉप पे जो है लैंड कर देंगे, इधर सामने स्मैक्सी हो गया। तो ये जो मैप के अंदर तुम लोग स्टार देख रहे हो, यहाँ पे हमारे कुछ साइंटिस्ट दोस्तों ने हमें बुलाया है कि हम लोग यहाँ पे जाएं, और आगे वो गाइड करेगा कि एग्जैक्टली करना क्या है, हमें किस तरह से स्पेस में पहुंचना है। ऑब्वियसली स्पेस में पहुंचने के लिए हमें रॉकेट चाहिए होगा, और रॉकेट से ही जाएंगे हम लोग। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये वीडियो देखते रहना, बहुत स्मैक्सी है। अभी हम लोग अपनी किसी गाड़ी पे चलते हैं, कौन सी पकड़े हैं, आई थिंक फरारी पकड़ लेते हैं, या लैम्बो, नहीं नहीं हम लोग पकड़ते हैं लैम्बोर्गिनी सियान, टेक्नो गेमर्स वाली। ठीक है, डन करो, खोलो भाई, बैठो इसके अंदर। अच्छा, अब हम लोग स्टार वाली जगह पे जाएंगे, स्टार वाली जगह पे जो है आई थिंक कुछ हेलीकॉप्टर वगैरह होंगे, मुझे ज्यादा पता नहीं है, ठीक है, लेकिन एक बार जाएंगे तो पता लग जाएगा। पहले मैं सोच रहा था कि फ्रैंकलिन को भी साथ ले जाऊं, लेकिन अब भी खबाड़ी होगी उसके साथ जाते हुए भी, तो मैं सोचा अकेले ही चले जाता हूं। अगर तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा, ट्रिप वगैरह अच्छा रहा, तो लेके चलेंगे ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी लेके चलेंगे। ट्रेवर से भी मिले हुए बड़ा अरसा हो गया, ट्रेवर गायब ही हो गया, एक तरह से लेके ही नहीं आए हम कभी इसको। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम लोग जेल से छूटे थे, क्योंकि हम लोगों ने प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी चोरी करने की कोशिश की थी, और उसके अंदर हम लोग पकड़े गए थे, फ्रैंकलिन पकड़ा गया था, और उसको छुड़ाते छुड़ाते मैं पकड़ा गया था, यानी कि माइकल। तो अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी हमारे घर के अंदर ही खड़ी है, और मुझे यही है कि इशू ना हो जाए कहीं, अबे रुक जा भाई। तो अभी भी मुझे यही है, इसी चीज का डर लगा रहता है कि कहीं हमारे घर छापा ना पड़ जाए प्राइम मिनिस्टर का, और उसको पता लग जाएगा कि भाई हम लोग एग्जैक्टली कौन है, कैसे हमने गाड़ी चोरी की है। क्योंकि अगर ये सीन हो गया तो हम लोगों ने जेल से तो छुट रही है, लेकिन हमें कहीं हाई सिक्योरिटी प्रिजन में ना लॉकअप कर दें। अगर ऐसा कोई सीन हो गया तो भाई हमारा निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हमें दोस्तों से हेल्प लेनी पड़नी है। लास्ट जो हमने प्रिजन ब्रेक किया था उसके अंदर तो हमने दोस्तों की हेल्प नहीं ली, वो तो इजी था, हम लोगों ने अकेले ही कर लिया है, लेकिन अब अगर हम में से कोई भी अरेस्ट हो गया तो फिर मसला हो जाना है भाई, बहुत गंदी होनी है। तू आ जा भाई, आ जा, तू आ जा साइड। एक सेकेंड, ये शोखी हो रही है, नहीं 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 नहीं, ज़्यादा ओखी हो गई है ये। एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ लांती कमीनी जी, अब ना नहीं पंगा। तो अभी हम लोग स्टार वाली जगह पे पहुंचने ही वाले हैं, वहाँ पे कुछ साइंटिस्ट वगैरह होंगे, आई थिंक हमें भी वो स्पेसशिप में जाने, स्पेसशिप कह रहा हूँ रॉकेट के अंदर बिठाने से पहले हमें एस्ट्रोनॉट का पूरा पूरा सूट पहनाएंगे, क्योंकि अगर हम लोग चांद पे पहुंच जाएं तो हमें सांस नहीं लेने देंगे वो। प्लेनेट में होता ही है कि आपकी ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम क्या होती नहीं है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होती तो आप वहाँ पे सांस नहीं ले सकते, तो हमें वो पहनाएंगे, वो सिलेंडर वगैरह पहना देंगे। और ये स्टार वाली जगह आ गई है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। ओ यार, ये तो मिलिट्री की जगह है, वो मिलिट्री का हेलीकॉप्टर भी है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि हमें अलाउ है क्या, हम लोग घुस, ये तो नहीं कि हम लोग घुसेंगे तो पुलिस पड़ना शुरू हो जाएगी। ओके, हमारे पीछे फिलहाल तो कोई पुलिस शुलिस नहीं पड़ी। अच्छा, हम लोग ये इधर स्टार वाली जगह पे पहुँच गए हैं, और लेट्स सी कि भाई यहाँ पे क्या है। ओए, ये तो हमारा वेट कर रहे हैं हमारी एंट्री का, उतरते हैं जी। हाँ जी भाई, क्या सीन है? ओए, गन अंदर, गन अंदर, गन अंदर। ओके, हाँ जी भाई, स्पेस पे जाना है यार, ये तो सुन ही नहीं रहे। आई थिंक हमें कहीं और से जाना है, चले जाएं, खुद ही चले जाएं, चले गए भाई। अच्छा, ये ना हो कि हमें कुछ कहें ना बस। अच्छा, इन्होंने मुझे रास्ता समझा दिया, वो कह रहे हैं कि यहाँ से मुझे ऊपर जाना है, तो हम लोग सीधा ऊपर ही चलते हैं, थोड़ा बहुत ये जगह भी एक्सप्लोर कर लेते हैं कि भाई किस तरह की जगह है। अच्छा, यहाँ पे कोई क्लास रूम है, ट्रेनिंग रूम है, खोल सकते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे आई थिंक ये मिलिट्री वालों की और ये स्पेस वालों की, एस्ट्रोनॉट्स की क्लासेज होती हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके देखते हैं। ये हैं सीढ़ियाँ, लेकिन अभी हम लोग सीढ़ियाँ पे नहीं जाते, ये देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। ये खुल सकते हैं एलिवेटर, एलिवेटर पे जाना है मुझे। ओए, अच्छा खुलता है, प्रेस ई टू इंटरैक्ट। अच्छा, पहुँच भी गए, बस पहुँच भी गए इतनी जल्दी, हाय 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 हाय, ये तो वेरी नाइस एलिवेटर है। ओए, आवाज़ आई मुझे किसी की, इसके अंदर तो नहीं है। ओए ओए, मैंने मशीन गन उठा ली, मुझे आना वैसे यहीं पे है ना। हाँ जी भाई, स्पेस पे जाना है यार, ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। पुत्र, हेलो, स्पेस पे जाना है, स्पेस, जवाब ही नहीं दे रहे हरामी।
आई थिंक मुझे थोड़ा मजीद ऊपर जाना पड़ेगा, ये तो बंद है, लॉक हुआ है। मजीद ऊपर चलते हैं। ओए यहाँ पे कुछ मजीद लोग हैं। हाँ जी भाई, स्पेस विच जाना है स्पेस। प्रेस ई टू टॉक टू कॉलोनल लार्सन। अच्छा हाँ जी भाई, इवनिंग कमांडो। अच्छा ये हमें कुछ चीज़ें बता रहे हैं जो पढ़ने शढ़ने का मूड नहीं है मेरा वैसे। फ्रॉम द सैटेलाइट दे आर वेरी अर्जेंट आफ्टर यू डैट यू द साइंटिस्ट विल एनालाइज द डाटा। अच्छा तो ये हमें कुछ बातें वगैरह बता रहे हैं कि हमें किस तरह से लेके जाया जाएगा और साइंटिस्ट जो है हमारा किस तरह से ख्याल रखेंगे। आई थिंक हमें कोई स्पेस सूट पहनाएंगे ये लोग। गो टू द सैटेलाइट डिशेज मार्क टू योर मैप। अच्छा अब हम लोग देखते हैं कौन सा सैटेलाइट डिशेज किधर है। ओए इतना दूर जाना है, इतना दूर जाना है मुझे यार। हेलो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ बकवास करने आए थे इस बंदे से, अब हम इतना दूर जाना है रॉकेट में बैठने के लिए। अबे एमवी मैं सीढ़ियां यूज कर रहा हूँ, इससे बेहतर एलिवेटर में चले जाता। तो हम लोग बैठ चुके हैं अपनी गाड़ी के अंदर और गाड़ी से याद आया कि जितना पिछले एपिसोड के अंदर मैंने तुम लोगों को कहा था कि हम लोगों ने पुलिस की फोर्ड जीटी चुरा के उसका सारा का सारा पेंट शेंट उतरवा के पुलिस का लोगो शो को उतरवा के अपने पास रखनी है। तो आज अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम लोग वो भी काम करेंगे। फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं इधर रॉकेट की तरफ और एक पुलिस की हम लोगों ने मर्सिडीज एएमजी भी देखी थी उसको भी चुराएंगे। तो पुलिस की गाड़ियां चुराना तो इजी है, हमें पहले भी बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये दो काम हम लोग लाजमी करेंगे। उसके अलावा हमें अपनी लेमोजीन को भी गोल्ड रैप करवा के उसको थोड़ा सेट वेट करवा के उसको महंगे में बेचना है उससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे घर वाड़ जाए। फिलहाल हम लोग चलते हैं इधर रॉकेट की तरफ और बड़ा स्मेक्सी सा लग रहा है ये जगह। आइए ना, सैटेलाइट वगैरह है यहाँ पे। अच्छा यहाँ से एंट्री है क्या? नहीं नहीं नहीं, सामने से एंट्री है भाई। ये एक एक रेडार है, मुझे नहीं पता इसका क्या सीन है, जाके देखते हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रही, मैप पे काफ़ी ज़्यादा येलो कलर के डॉट्स वगैरह हैं। ओए यहाँ पे भी कुछ है, ये कंप्यूटर की एक्सेस दे रहा है हमें कोई। प्रेस ई टू चेक द डिश डाटा। ये कोई डाटा वगैरह चेक हो रहा है, मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है कि क्या सीन है, तो इसलिए तुम लोग देखते जाओ कि क्या क्या होता है आगे। अच्छा ये हो गया, आई थिंक हमें सारी जगह पे जो है डाटा चेक करना है। अच्छा ये वाली जो डिश है ना, इसके सामने बंदे हैं और यहाँ पे दो गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं और इन लोगों ने साइंटिस्ट जैसा जो है यूनिफॉर्म पहना रहा है। आई थिंक इस डिश में कुछ है एक्स्ट्रा जो बाकी डिशेज में नहीं था। जाके देखते हैं हम लोग, इधर ऊपर ही चलते हैं। कोई ये लोग भी खड़े होकर कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, कोई आइडिया नहीं है कि क्या सीन है। आई थिंक हमें सारों का डाटा चेक करना ही पड़ेगा। क्या किरी वीडियो बना रहा है? वीडियो ओए वीडियो बनाता कुत्तिया पैन कुत्ते कमीने। एक सेकंड। हाँ दफा ओए, मैं मारना नहीं चाहता था लेकिन मैं कहा, मुझे लगा गन से गायब हो जाएगा, भाग जाएगा दूर, लेकिन शोखा ही हो गया, मुक्के मारने पे आ गया हरामी। अच्छा तो ये लास्ट सैटेलाइट था जिसका हम लोगों ने डाटा चेक करना था, हो गया। डाटा कलेक्टेड का भी हमारे पास आ गया, मैसेज आ गया। और अब क्या है, गो टू ह्यूमन लैब एंड गिव द डाटा टू द साइंटिस्ट। अच्छा वो जो पहले जो हमसे जो बात कर रहा था जब हम लोग टावर के टॉप पे गए थे, उसने हमें डाटा लेने के लिए भेजा था। असल में मैं सही से सबटाइटल नहीं पढ़ रहा तो मुझे कुछ समझ नहीं थी, कितना पागल हूं मैं। अच्छा तो हम लोगों ने डाटा कलेक्ट कर लिया। आई थिंक ये डाटा जो है ये, यार ये लॉक क्यों है यार भाई? हेलो, हाँ जी साइड पे हो ना भाई। आई थिंक ये जो डाटा है ये रॉकेट को लॉन्च करने का कोई कोड वगैरह है जो साइंटिस्ट जो है खुद अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसने हमें हायर किया। उसको पता था ना हम लोग डाके डालते रहते हैं, बैंक लूटते रहते हैं, तो उसने हमें बुला लिया कि भाई जा तू आ डाटा कलेक्ट करते चला चांद चलिए। तो अभी हम लोग चलते हैं साइंटिस्ट के पास और उसको बताते हैं कि भाई डाटा आपका आ गया, टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। यार ये गाड़ी स्मैक्सी है यार, आई थिंक मुझे डेली यूज़ करनी चाहिए ये। अक्सर मैं फ्राड़ी वगैरह पकड़ लेता हूँ, इसकी ना फ्राड़ी की हैंडलिंग और स्पीड वगैरह अच्छी है, लेकिन फ्राड़ी ना फिसलती बहुत है, ये फिसलती नहीं है ज़्यादा। अब मुझे देखो मेरा रास्ता पीछे रह गया, हाँ मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत ड्रिफ्ट करनी पड़ गई है, तो लेकिन मतलब फिसल के इधर उधर 360 ने मारनी शुरू कर दी। फ्राड़ी जो है वी फिसलती बहुत है, वरना उसकी एवरेज हैंडलिंग और स्पीड वगैरह तो काफ़ी स्मैक्स है। इसको हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, हम लोगों ने पार्किंग सही तरह से की तो नहीं है, लेकिन हु केयर्स भाई। अच्छा अब येलो वाली जगह पे अंदर कैसे घुसना है? या ये टॉप पे जाना है मुझे क्या? यहाँ पे कोई ना कोई दरवाज़ा होगा जो एक्सेस देगा हमें ऊपर जाने की। अच्छा ये यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, इधर सीढ़ियों पे चढ़ जाते हैं। वैसे हम एक गाड़ी भी सीढ़ियों के पास ही पार्क कर लेते ना तो सही था, लेकिन अब कर दिए उधर दूर पार्क, तो खैर है। अच्छा यहाँ पे जाके देखते हैं। अच्छा वो सामने येलो कलर का मार्क है, आई थिंक हमें इस बिल्डिंग के अंदर घुसना है। प्रेस ई टू एंटर एग्जिट ह्यूमन लैब। ओके हम लोग किसी लैब के अंदर आ गए हैं, खोलो। ओए होए होए होए, यार ये तो काफ़ी फ्यूचरिस्टिक जगह लग रही है। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी बॉडीगार्ड खड़ा हुआ है जो होपफुली हमें मारेगा नहीं, हम लोग यहाँ पे बस चांद पे विजिट करने आए हैं और कुछ नहीं है। अच्छा यहाँ पे क्या है, लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री के अंदर घुस जाते हैं, यहाँ पे भी साइंटिस्ट वगैरह हैं जो उस वक्त कोई रिसर्च कर रहे हैं। ये तो मेडिकल लेबॉर्ट्री लग रही है, एस्ट्रोनॉट की भी लेबॉर्ट्री ऐसी होती है क्या? अब मैंने मैट्रिक पास किया नहीं है ना तो ज़्यादा आइडिया नहीं है मुझे। इसके पास ही जाके देखते हैं। हाँ जी भाई, हाँ हाँ जी बिल्कुल, चांद पे जाना है। डिलीवरी सक्सेसफुल, एग्जिट ह्यूमन लैब। अच्छा अच्छा अभी हम लोग चांद पे नहीं जाएंगे भाई, मुझे चांद पे जाना है यार, क्या सस्ते काम करवा रहे हो यार मेरे से। ओए वो सामने क्या है? अच्छा ये मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं है, इन्होंने हमें कहाँ भेज दी है, हमें चांद पे ही पहुँचा रहे हैं ना,
ज्यादती तो नहीं ना कर रहे हैं हमारे साथ। चलो खैर इधर लैब से निकल जाते हैं। आप क्या कह रहे हैं, गो टॉक टू द कॉलोनल लार्सन टू ब्रीफ ऑन द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। अबे कॉलोनल क्या है, अभी पीछे पड़ा हुआ है यार, रॉकेट लॉन्च करना था, सीधी तरह करो यार, हमसे सारी चोरियां करवाई जा रहे हैं। अब कल को इधर छापा पड़ गया इधर स्पेस एक्स में इनके, तो डुई लेने हमारे घर आ जाएगी पुलिस। हमारी लैम्बोर्गिनी खड़ी है ना, बस ठीक है शुक्र है, होपफुली ज्यादा दूर नहीं है ये जगह। ओके बॉयज, तो वो जो ऊपर जो बंदा था उसको मैं सैटेलाइट का डाटा और लेबोरेटरी से रिपोर्ट सारी दे के आ गया हूँ, और उसने मुझे अभी मैप पे एक जगह मार्क करके दी है जो कोई इस तरफ है, काफी दूर है, तो ऑब्वियसली हमें हेलीकॉप्टर वगैरह पे ही जाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर या जहाज यहाँ से पकड़ लेते हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या है, लेकिन मैप पे जिस तरह का निशान बना हुआ है वो तो किसी रॉकेट की तरह का निशान बना हुआ है, तो होपफुली जब हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हमें स्पेस शटल वाली जगह मिल जाएगी। तो ये सामने वाला हेलीकॉप्टर पकड़ लेते हैं, काफी दूर वो जगह है, लेकिन शुक्र है हमारे पास ही हेलीकॉप्टर था तो हमारे लिए जाना इतना मुश्किल नहीं होगा। एक बार पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे असल में है क्या। ओके, वैसे मुझे दूर से एक आइलैंड से नजर आ रहा है, और शायद तुम लोगों को भी नजर आ रहा होगा, कोई जंगल फॉरेस्ट किस्म का लग रहा है। पास जाके देखते हैं क्या है। ओके, तो ये आइलैंड ऑलमोस्ट पहुंच गया है, और आई थिंक ये स्पेस शटल वाली ही जगह है। वेट, यहाँ पे अगर ये अभी रॉकेट, हाँ वो सामने रॉकेट है, ये सामने रॉकेट है। अब मैं हेलीकॉप्टर कहाँ पे लैंड करूँ, होपफुली कोई जगह होगी हेलीकॉप्टर लैंड करने की। ओ तुहाडी खैर, कितना कूल लग रहा है यार। ओके वो शुक्र है, यहाँ सामने हेलीपैड भी है, यहाँ पे हम लोग आराम से जो है अपना हेलीकॉप्टर लैंड कर सकते हैं, और वापस जब हम लोग आएंगे, ओ ये आराम से हेलीकॉप्टर लैंड, क्रैश नहीं है लैंड। ओए परफेक्ट लैंडिंग, परफेक्ट तो नहीं है लेकिन हो ही गई लैंडिंग किसी तरह। ओके वो सामने रॉकेट है, इस रॉकेट पे बैठ के हम लोग जाने वाले हैं चांद पे, मार्स पे, जुपिटर पे, सैटर्न पे, मजे आने वाले हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, प्रेस एफ टू एंटर। अभी हम लोग एंटर नहीं होंगे, अभी भाई हम लोग सामने जा रहे हैं, यूएसए नासा का लोगो भी लगा हुआ है इधर। ओके भाई साहब, ये तो वेरी नाइस रॉकेट है, ये तो मेरा पसंद का रॉकेट है, मुझे तो दिल कर रहा है आधा आधा घंटा रॉकेट राइडिंग करूं, वो भी थुक लगा के। खैर, प्रेस एफ टू एंटर। ओके रॉकेट हमारा चल चुका है, और प्रेस स्पेस टू लॉन्च, 3 2 1 लॉन्च। ओ भाई साहब, ओ ट्वाडी खैर यार, ओ हम लोग स्पेस पे जा रहे हैं, ओ नीचे इतना तेज है, और अभी से हमें पूरा का पूरा सिटी नजर आना शुरू हो गया, हम लोग इतनी जल्दी बादलों से भी ऊपर चले गए हैं। ओके वो आई थिंक हमारे वो जो रॉकेट के जो हैं वो हमसे अलग हो गया, और शटल रह गया बस, और इसके अंदर हमें अभी भी हम लोग स्पेस पे जा रहे हैं यार, ये कितना कमाल है यार। पानी यहाँ से तुम लोगों को कुछ नजर आ रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी कोई भी लॉस एंजेलिस का सिटी नजर नहीं आ रहा। ओके तो वो भी अलग हो गया हमसे, और अभी हम लोग सीधा ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर, नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, दुनिया गोल होती भी नजर आ रही है ऑलमोस्ट। अभी अब देखते हैं स्पेस पहुंच के, देखते हैं क्या सीन है। ओके तो हम लोग स्पेस पहुंच गए हैं, और ये गैलेक्सी है, और तुम लोग अर्थ देख सकते हो किस तरह से, अर्थ की तरफ जहाँ पे सनलाइट है वहां पे रोशनी है, और जहाँ पे सनलाइट नहीं है वहां पे अंधेरा है। जिन लोगों ने अपने स्कूल में सोलर सिस्टम पढ़ा होगा उनको पता होगा क्या सीन है। ओके तो हम लोग थोड़ा बहुत रॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं, और वहां पे मार्स है, मार्स की लोकेशन आ रही है वहां पे वीनस है, अच्छा और क्या कहे, मून मार्स वीनस और कौन सी लोकेशन नजर आ रही है। हम लोग कहाँ पे चले, आई थिंक हम लोग मार्स चलते हैं, लेट्स गो टू मार्स भाई। ओके तो हम लोग मार्स पहुंच गए हैं, और हम लोगों ने सूट भी पहना हुआ था, और ये सामने से कौन आ रहा है, ओए एलियंस हैं, ओ भैंस की तुम एलियंस है, कवर लो। आई थिंक हमारा सूट और हेलमेट जो है इस वक्त बचा रहा होगा, और ये सामने से एलियंस कमीने आ रहे हैं। अरे भाई साहब इनको मैं बताऊं अर्थ से गन ले, ओए स्लो मोशन इफेक्ट देख रहे तुम लोग, अर्थ से गन लेके आया हूँ मैं, कुत्तो कमीनो, हाय। अच्छा जैसे जैसे इनको मार रहे हैं वो सारे एलियन बने जा रहे हैं। ओए वो यूएफओ जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा कि अगर हमें कोई यूएफओ मिले तो हम लोग उसको अर्थ में भी लेके जाएंगे, तो यही वो यूएफओ है, होपफुली हम लोग चुराने में कामयाब हो जाएंगे। जैसे कि तुम लोग देखते जा रहे हो कि ये इंसान के हुलिये में आए हुए हैं, और जैसे जैसे हम लोग इनको मारी जा रहे हैं ये लोग एलियन बनी जा रहे हैं, होपफुली और कोई होगा नहीं। ओके ये सामने यूएफओ है, अब मुझे नहीं पता कि हमें अटैक करेगा कि नहीं, भाग जाते हैं हम लोग फिलहाल यहाँ से। ओके ये क्या चीज है, अबे ओए अटैक करते कुत्ते, अटैक कर रहे हैं हमें ये यूएफओ, पूरा अटैक कर रहे हैं हमें, आई थिंक हमें इसको शूट करते रहना चाहिए। मैं रॉकेट लॉन्चर निकाल लेता हूँ इन केस अगर हमारे सामने आए। ओ भाई साहब तुम लोगों ने देखा किस तरह से इसने रॉकेट मारा हमें, अबे फटेगा भी ये, एक बार दोबारा आ जाए मेरे पास, या ये एलियन पायलट भी नजर आ जाए ना। अबे नहीं, प्लीज लग जा। अबे लग गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ओ नहीं, यूएफओ गिर गया।
ओके उसमें से कुछ निकला भी है, हम लोग पास जाके देखते हैं क्या सीन है। यूएफओ गिर गया और उसमें से कोई बंदा निकला है शायद। वे मैं स्नाइपर से देखता हूँ। ओके ये ना हो कि मैं पास जाऊं तो कुछ हो जाए। पास जाके देखते हैं क्या सीन है। गन हम लोग हाथों में ही पकड़ के रखेंगे। हेलो कोई है? ओ हेलो हेलो, इसके अंदर कोई है कि नहीं? क्या हम लोग बैठ सकते हैं वैसे इसके अंदर? अच्छा वैसे मैं दबा रहा हूँ बटन लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा। C4 लगा के देखते हैं। ओके C4 भी तुम लोग देख सकते हो हवा में इस तरह फ्लोट कर रहा है ग्रेविटी की वजह से। ओए होए 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 होए, फट गया फट गया फट गया। एंटर द मार्स बेस टू स्पीक टू द साइंटिस्ट। अच्छा 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 अच्छा, साइंटिस्ट ने हमें मिशन दिया था कि हमने मार्स में जाके एलियंस की स्पेसशिप को उड़ाना है और अब हमें उनसे बात करनी है, उनको बताने की हाँ हम लोग उनकी स्पेसशिप जो है उड़ा चुके हैं। तो वहीं पर चलते हैं उधर साइंटिस्ट के पास। ओके तो इसके अंदर हम लोग घुस जाते हैं और देखते हैं सीन क्या है। घुसो भाई, प्रेस ई टू इंटरैक्ट। अच्छा ये साइंटिस्ट का कोई बेस है इन्होंने मार्स के अंदर बनाया हुआ है। यहाँ पे भी क्या ग्रेविटी का लो है? हाँ यहाँ पे भी ग्रेविटी लो है। और हम लोग जाके देखते हैं आगे क्या सीन है। ओके यहाँ पे तो नहीं कुछ नजर आ रहा, वहां पे एक मार्क नजर आ रहा है 20 मीटर। आई थिंक हमें वहां उस तरफ जाना है कहीं पे। हम लोग गन हाथ में ही पकड़ेंगे इनकेस अगर कोई आ जाए हमारे सामने एलियन वर्ग का। ओ यहाँ पे एक साइंटिस्ट डॉक्टर्स वगैरह है, इंसान ही है सारे, शुक्र है एलियंस नहीं है। इससे बात करके देखते हैं क्या कहता है। अच्छा तो इन्होंने असल में हमें मिशन दिया था कि हमें इनके बेस के आसपास जितने एलियन है स्पेसशिप है उनको गिरा के इनको सिक्योर करना है। और अब इसने हमें मैप पे एक और जगह लगा के दी है, हमें वहां पे जाके देखना है और क्या सीन है, और देखना है अगर वहां पे कुछ डेंजरस सिचुएशन हो तो हमें उसको भी कंट्रोल करना है। तो अभी हम लोग बेस से बाहर चले जाते हैं और जो लोकेशन उसने मार्क करके दी है उधर ही चलते हैं सीधी। ओके ओके तो हमारे सामने एक गाड़ी है। ओके 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 आई थिंक ये स्पेस के लिए ही बनी है ये गाड़ी। काफी फ्यूचरिस्टिक तो नहीं लेकिन सैटेलाइट वगैरह लगा हुआ है इस पे और कुछ स्क्रीन भी लगी हुई है। और देखते हैं गाड़ी किस तरह की है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, स्मैक्सी हो गया स्मैक्सी हो गया। अच्छा उसने हमें मैप पे हुई हुई 1000 मीटर दूर मार करके दिया भाई। कोई लैम्बोर्गिनी दे देते भाई इस पे 1000 मीटर में पार करूंगा। चलो खैर है इसी बहाने हम लोग मार्स भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये गाड़ी जो है आई थिंक इन्होंने स्पेस के लिए बनाई है स्पेशली। बाकी ओवरऑल मार्स का एनवायरनमेंट को बहुत फिट लग रहा है यार, मैं तो रहना चाहूंगा यहाँ पे। छोरो लॉस सेंटर्स को भाई। ओके तो सामने मुझे मैप के अंदर रेड डॉट भी नजर आ रहा है। रेड डॉट का हमेशा मतलब कोई एनिमी होता है तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा अगर कोई इनकेस एलियन या कोई मॉन्स्टर आ जाए तो उसको सीधा रॉकेट लॉन्चर से उड़ा सके। अच्छा यहाँ पे एक स्पेस शटल भी है। अच्छा मतलब ओके 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 ओए यहाँ पे तो लड़ाई हो रही है हमारे किसी साइंटिस्ट की लड़ाई हो रही है। ओके ना 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 ओके हमारा एक साइंटिस्ट दोस्त जो है वो एलियन से लड़ रहा और हम लोग उसको बचा चुके हैं। तो ये भी अपने स्पेस शटल में आया इस वाली, हमारी तो स्पेस शटल वो उस तरफ खड़ी हुई है। तो इससे बात करके देखते हैं क्या कहता है। प्रेस ई ओके तो ये लोग हमें अपने बेस में ले आए हैं और ये हमें इस वक्त हमें शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारा कि थैंक यू हमें एलियन से बचाने के लिए। दीज एलियन बैस्टर आर स्मार्टर देन यू थिंक। अच्छा ले एल मेरा स्मार्टर, अभी तो उड़ा के आए हैं हम लोग 10-15 एक साथ। आई जस्ट होप दैट यू कैन फाइंड अ वे टू गो टू होम। ठीक है हो गया ओके हो गया। मतलब मार्स हम लोग घूम चुके हैं, इंजीनियर सेफ, हम लोग मार्स के इंजीनियर्स और सारे साइंटिस्ट को बचा चुके हैं, मिशन हमारा पास हो चुका है। ओके तो हम लोग स्पेस शटल में बैठ जाते हैं अपने और मार्स तो हमने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। लेट्स गो। हाय 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 हाय, पूरा पूरा स्पेस शटल है भाई अंदर से। बट अब ये चलेगा कैसे? ओके 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 काम कर गया। ओके हम लोग हवा में हो चुके हैं शुक्र है। तो बॉयज ये था मार्स, हम लोग मार्स पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं चांद पे। चांद था और वीनस था है ना, ऐसा ही था ना, चांद पे चलते हैं भाई। ओके तो हम लोग चांद पे पहुंच चुके हैं और जैसे ही हम लोगों ने लैंड किया यहाँ पे एलियन कुत्ते कमीने चिट्टू आ गए हैं सारे। लेकिन इनको मैं बताता हूँ हम लोग अर्थ से गन लेके आए हैं, हमारे पास ये इनकी सस्ती गन नहीं है। ओए होए 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 अबे कौन कमीना मार रहा है। और जिन लोगों को नहीं पता कि आपको मून के अंदर जो है ना आवाज नहीं आती, जिस तरह तुम लोग देख सकते हो इस वक्त ना मेरे गन शॉट की आवाज आ रही है ना ही एलियन की आवाज आ रही है और वो जो सामने शिप उड़ रही है उसकी भी आवाज नहीं आ रही, क्योंकि आवाज को ट्रेवल करने के लिए एटमोसफियर की जरूरत होती है और मून में एटमोसफियर होता नहीं है तो साउंड का इश्यू हो जाता है। अभी हम लोग फिलहाल सिर्फ इस यूएफओ को गिरा दें। वो यार ये एलियन की स्पेसशिप कितनी कूल लग रही है यार, वैसे ये हमारे घर के बाहर खड़ी होगी सारे पागल हो जाएंगे। ओए हमने स्नाइपर से उड़ा दिया, एनिमीज एलिमिनेटेड, बेस्ट हो गया बेस्ट हो गया। अच्छा हम लोगों ने
अपना फ्लैग जो है लगाना है मून पे, इनकेस अगर फ्यूचर में कोई विजिट करता है चांद को तो उसको पता लग सकता है कि भाई हम होके गए हैं ऐसी की तैसी उनकी। उससे पहले हम लोग ये स्पेसशिप देख लेते हैं करीब से, अगर तो सही सलामत होगी तो हम लोग इसी के पास फ्लैग लगा लेते हैं ताकि हम लोग मून पे वापस आके जो है ये स्पेसशिप ले सकें। यहाँ पे हम लोग लगाए थे अपना फ्लैग, आए हाय फ्लैग लग चुका है बॉयज। वो स्पेसशिप की वजह से फ्लैग हवा में हो गया यार, वो मून ग्रेविटी की वजह से वो नीचे लगा ही नहीं, हवा में चला गया। लेकिन खैर हम लोग अपने स्पेस शटल वापस चलते हैं और हम लोग अब चलते हैं तीसरे प्लेनेट पे जो है वीनस। आई मीन तीसरा प्लेनेट वैसे मार्स है लेकिन फिर भी वीनस चलते हैं हम लोग। आए हाय हाय ये इंटीरियर देख रहे हो तुम लोग, ओ हो ये है स्पेस शटल, यहाँ पे कुछ गाइड वगैरह भी लिखी हुई है। लेकिन खैर हम लोग चलते हैं वीनस। ओके तो हम लोग चलते चलते पता नहीं कौन सी ऐसी जगह पे आ गए हैं, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा, बस सिर्फ एक स्टैंड सैंडस्टोन सा नजर आ रहा है और यहाँ पे कोई लैंड होने वाली जगह भी नहीं है भाई, मुझे डर लग रहा है वैसे। ओके हमारा इंजन भी बंद हो गया, ओ हम लोग ग्राउंड से टकराने वाले, ग्राउंड से ओ शुक्र है। अबे इजी रुक जा भाई, अबे घुस ही गया पूरा जमीन के अंदर। ओके हम लोग लैंड हो गए हैं वीनस में, तो ये है वीनस जो मुझे यहाँ पे कुछ नजर तो नहीं आ रहा लेकिन ये है वीनस। ओके तो वीनस में कुछ खास नजर तो नहीं आ रहा, हम लोग चलते हैं वापस अपने स्पेस शटल के अंदर और बाकी का स्पेस थोड़ा एक्सप्लोर मारते हैं। ओके तो स्पेस के अंदर हमें सामने एक और भी प्लेनेट नजर आ रहा है कारून के नाम से, कारून हम लोग जाके देखते हैं, थोड़ा अर्थ वाली फीलिंग आ रही है उसमें से क्योंकि उसमें मैं देख सकता हूँ वहाँ पे लैंड वगैरह भी है कुछ, हम लोग खैर उधर पास जाके देखते हैं उसके कारून के। ओके तो हम लोग काफी हद तक प्लेनेट के करीब पहुंच चुके हैं लेकिन अब पता नहीं कौन सी धुंध है सारा हर जगह और मुझे कोई लैंड नजर नहीं आ रहा, वो सामने पानी है, धुंध की वजह से मुझे पानी नजर नहीं आया। उतरो जल्दी सांस बंद हो रहा है हमारा, ऊपर चलो। ओ भाई ये कौन सा प्लेनेट है भाई, कभी सुना ही नहीं मैंने। ओ यहाँ पे तो पहाड़ भी है, इधर चढ़ के देखते हैं थोड़ा बहुत ऊपर। यार आई थिंक मुझे यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने एक नया प्लेनेट डिस्कवर किया करून के नाम का। आई थिंक यहाँ पे इंसान भी जिंदा रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी है, लैंड वगैरह भी है, लैंड पे चल सकते हैं ना। अरे हाँ चल सकते, थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं क्या पता हमें कोई ट्रेजर वरेजर ही मिल जाए। ओ ट्वाडी खैर हुए, तो बॉयज ये है करून। अब मुझे नहीं पता, मैं गूगल सर्च मार के देखूंगा कि भाई ये कौन सा प्लेनेट है सही, लेकिन आई थिंक यहाँ पे जो है इंसान जिंदा रह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे लैंड भी है, पानी भी है और सनलाइट भी आ रही है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो मेरा शेडो भी आ रहा है, कोई ग्रीनरी वगैरह नहीं है। मुझे नहीं पता कि लैंड किस तरह के, यहाँ पे पौधे वगैरह उग सकते हैं कि नहीं। खैर मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो सीधा जा रहा हूँ अपने स्पेस शटल के पास। हाय 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 काश हमारे पास लैम्बोर्गिनी होती, हम लोग यहाँ पे ट्रिफ्टे मारते। बैठो। अरे बॉयज तो हमारे सामने जुपिटर है और इस वक्त मेरा जुपिटर जाने का मूड हो रहा है, हम लोग थोड़ा करीब चलते हैं जुपिटर के। ओ भाई ओ जुपिटर तो पूरा डस्ट है यार आई थिंक बॉयज हमें ना लैंड नहीं करना चाहिए, अगर हम लोग लैंड कर जाए तो ना सत्यानाश हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता यहाँ पे जिंदा भी लोग रहते हैं कि नहीं, लेकिन हमें आई थिंक यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। मैं तो निकल रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे रहना ही नहीं है भाई, मैं जा रहा हूँ स्पेस ऑर्बिट वापस। ओके तो वो हमारे पीछे एक मरकरी है, मरकरी जाके देखते हैं, आई थिंक मरकरी सेफ है, मरकरी पे लैंड हो सकते हैं ना, मरकरी जाके देखते हैं। ओके तो मरकरी हम लोग पहुंच चुके हैं, ये मरकरी का सरफेस है, हम लोग सीधी तरह आराम से लैंड हो जाएंगे, हमारा स्पेस शटल ना क्रैश हो जाए। ओ हम लोग शुक्र है बड़े स्मैक्सी किस्म का लैंड हुए हैं। अच्छा ये आ चुका है जी मरकरी, उतरो भाई थोड़ा बहुत एक्सप्लोर मार लेते हैं। आई थिंक मरकरी में भी ना साउंड का इशू है, एटमॉस्फेयर की वजह से ना साउंड सही से आती नहीं है। वो सामने मून है या फिर सूरज है, आई थिंक सूरज है। यहाँ पे शुक्र है एलियन वगैरह नहीं है, एलियन हमें सिर्फ चांद पे और मार्स में मिले थे। खैर वापस बैठते हैं स्पेस शटल में, बैठते हैं वापस और किसी और प्लेनेट में चलते हैं। ओके तो वो हमारे सामने ब्लू सा एक नेपच्यून है, नेपच्यून के सामने जाके देखते हैं। अब हम लोग ज्यादा लैंड वगैरह नहीं करेंगे, हम लोग बस सिर्फ प्लेनेट के पास जाके देख लेंगे और देखते हैं वहां पे सीन क्या है। ओके तो हम लोग नेपच्यून के पास पहुंच चुके हैं और मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं मेरा लैंड होने का कोई मूड नहीं है। ये वैसे ब्लू सा नजर तो आ रहा है, पूरा प्लेनेट मुझे यहाँ से नजर तो आ रहा है ब्लू सा। अब मुझे नहीं पता कि गैसेज हैं कि नहीं और यहाँ पे मैं सही से सांस भी ले पाऊंगा कि नहीं। ऊपर से हमारे पास जो सिलेंडर है ऑक्सीजन वाला उसमें भी ज्यादा कैपेसिटी बची नहीं होगी, तो हम लोग टाइम जाया नहीं करेंगे। लेकिन बॉयज ये है नेपच्यून, हम लोग लैंड नहीं होंगे, ऊपर से ही देख लो, मजे ले लो सारे, काफी ड्रोनी जगह है भाई। इमेजिन अगर तुम लोग यहाँ पे फंस गए सारी उम्र लाइफ टाइम के लिए, फट के हाथ में आ जाएगी भाई। खैर स्पेस ऑर्बिट वापस चलते हैं और देखते हैं और कोई प्लेनेट हम लोग जा सकते हैं कि नहीं। ओके तो ऑर्बिट में मैं जैसे ही आया हूँ मुझे सामने सैटर्न दिख रहा है और सैटर्न बहुत मजे का प्लेनेट है, इसके साथ जो है इसके इर्द गिर्द रिंग होती है। लेकिन हम लोग लैंड नहीं होंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ हम लोग लैंड नहीं होंगे, लैंड करने बैठ जाए ना तो फिर सत्यानाश हो जाएगा, पास जाके देखते हैं। ओके बॉयज तो हम लोग सैटर्न पहुंच चुके हैं और काफी ड्रोनी जगह है, मैं पहले ही बता दूं, ऊपर थंडर वगैरह भी हो रही है और इसको भी ऊपर से ही मजे ले लो। पहले ही बता रहा हूं मैं लैंड नहीं हो रहा और इसकी रिंग ज्यादा नजर तो नहीं आ रही जैसी मैं प्लेनेट के करीब गया हूं, लेकिन दूर दूर से नजर आ रही थी। निकलने को करते हैं भाई, पहले ही मुझे डर लग रहा है। ओके तो हम लोग ट्रैवल करते करते किसी जगह पे आए हैं और सामने मुझे पहाड़ वगैरह नजर आ रहे हैं। ओ प्लीज हमारा शटल प्लीज सही से लैंड हो जाए। ओ नहीं 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 सामने पानी है, नहीं नहीं पानी नहीं है, ओ पानी
पानी था। ओके, ये मैं लैंड करते करते किस जगह पे पहुंच गया हूं, लेकिन खैर उतरते हैं भाई, मुझे लगा पानी नहीं है, लेकिन खैर हम लोग चलते हैं सीधा पानी से बाहर चलते हैं, देखते हैं कौन सी सरफेस पे हम लोग लैंड हुए हैं। आई थिंक ये टाइटन है, या तो टाइटन है या फिर ये सैचन का ही सरफेस है। ओ ट्वाडी, खैर कितना स्मैक्स लग रहा है यार। ओके सैचन वो है, वो सैचन तुम लोग को नजर आ रहा है ना सामने सामने, तो सैचन ये है। हम लोग पता नहीं कौन सी जगह पे आ गए हैं यार, ये कितनी डरावनी जगह है यार। इमेजिन अगर हमारा स्पेस शटल काम करना बंद कर जाए और हम लोग सारी उम्र के लिए यहीं पे फंस जाए। खैर ये बहुत अजीब जगह है और इसकी सरफेस भी सैंड है ऑलमोस्ट, और पानी है। आई थिंक यहाँ पे भी आवाम जिंदा रह सकती है, मुझे नहीं पता क्या सीन है भाई। हम लोग शटल में वापस चलते हैं जो हमारे इस वक्त पानी में डूब चुके हैं, और चलते हैं हम लोग ऑर्बिट में वापस स्पेस में। तो हम लोग स्पेस में वापस आ चुके हैं, और मैं पहले ही बता दूं बॉयज, आई थिंक हमारी बस हो गई है, हमारा सिलेंडर भी कम रह गया है, और हम लोग ऑलमोस्ट सारे प्लेनेट घूम चुके हैं, तो हम लोग सीधा अर्थ वापस चलते हैं, उससे पहले हम लोग हमेशा के लिए यहाँ पे अटक जाएं। खैर मैं तो अर्थ चला जाऊंगा वापस। इफ यू एंजॉयड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ, सब्सक्राइब राइट नाउ। भाई इतनी हैवी काम कर गए हैं हम लोग, चांद पे चले गए, मार्स पे चले गए, वहां पे क्या क्या नहीं किया, एलियन से मिलके आ गए, और अभी भी हम लोग स्पेस शटल में बैठे हुए हैं। अर्थ चलते हैं वापस, देखते हैं क्या सीन है अर्थ में। ओके तो स्पेस शटल बड़ा सेफली लैंड कर लिया अर्थ में। स्पेस शटल जो है इस वक्त बिल्कुल सही काम भी करता है। इसको हम लोग ना फ्रैंकलिन के घर लेके जाने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने इसको यहाँ पे रख दिया जहाँ पे ये वाला एयरपोर्ट है। तो गाइस मैं दोबारा से बता रहा हूँ, लाइक एंड सब्सक्राइब राइट नाउ विद बेल आइकन, और मैं तुम लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय। स्पेस शटल का मैं कुछ करता हूँ।